माननीय मंत्री जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस पर उनका संदेश। माननीय प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प को हम पूरी दुनिया पूरा होते हुए देख रही है। समय से 11 साल पहले हमने ODF इस देश को किया है, खुले में सोच के इस अभिशाप से भारत मुक्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो हमारी पहली सीढ़ी है, हम दूसरी सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ चले हैं, वो ODF+2 है, जिसमें हर गांव का वो सार्वजनिक स्थान, आंगनबाड़ी, स्कूल, कोई बाजार, कोई धार्मिक स्थल, वहां पर पूर्ण स्वच्छता की गारंटी देना, साथ में जो भी कचरा वहां से निकलता है उस ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन जो देश की पंचायतें इसको पूरा करेगी उन्हें पहली कैटेगरी में रखा जाएगा। फिर उसके बाद में जो ग्राम पंचायत इन दोनों पैरामीटर्स के बाद जैविक हमारे तरल कचरे को स्वच्छ करेगी उसे उससे बेहतर स्थिति प्रदान की जाएगी, और अंत में जो ग्राम पंचायत ठोस तरल और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के अलावा पूरे गांव में उनको दिशा निर्देश देकर साइन बोर्ड लगाएंगे, हम उसको सर्वश्रेष्ठ से घोषित करेंगे। मुझे लगता है ये प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये हमारे काम करने की पद्धति का सम्मान होगा। देश जल्दी करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 अक्टूबर को कुछ पंचायतों से चर्चा भी करेंगे और उनका जो सुझाव है उसे हम अमली जामा देंगे कि ग्राम पंचायतें जिनने पानी प्राप्त कर लिया है और अपने आप को स्वच्छ घोषित किया है वो अपनी ग्राम पंचायतें प्रस्ताव पारित करें देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना धन्यवाद प्रस्ताव भेजें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ।